क्रिया कब आई है? तो उसको वहां से यहां आने में कितना टाइम लग रहा है? सोई हुई है क्या? जुड़ गए लोग? कितने लोग आए? 6 लोग? 0? पैकेज बढ़ाइए। एक्सरसाइज निकालिए। एक्सरसाइज 1। मार्कर लाके नहीं दिया है? पेन ले आओ। तो डिजिटल पेन कहाँ दिया? आ जाओ। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें हम लोग क्या देख चुके थे, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी कर चुके हम लोग, इसका प्रॉपर्टीज भी देख लिया था हमने, और क्या देखा था, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उसके बाद क्या देखा था हमने,
डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, उसके बाद सेकंड देखा था हमने कूलम्स लॉ, है ना, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलंबियन फोर्स, कोलंबियन फोर्स, और क्या देखा था, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, और क्या देखा था हमने, क्या देखा उसके बाद, हो गया ना यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उसके बाद शुरू किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज देखा था हमने, उसके बाद इसी में बात कर रहे थे हम लोग चार्ज डेंसिटी, इसकी बात कर रहे थे हम लोग, है ना, ठीक है, गुड। तो आज जो है हम लोग इन दो चीज़ों पे क्वेश्चन जो स्टडी पैकेज में है आपकी एक्सरसाइज में, उसका डिस्कशन करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस का और कूलम्स लॉ का। टर्न कीजिए पेज नंबर 46 एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 46 एक्सरसाइज 1। इसमें सर्च ऑप्शन है कहीं, देखो
पेज नंबर 46 दिस इज है ना। चलिए देखिए एक एक क्वेश्चन करके बनाते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन ऑयल ड्रॉप्स ऑफ मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट, है ना। ये खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन आयल ड्रॉप इन मिल्कन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले अपना कॉपी निकाल लीजिए, उसमें नोट्स भी लिख लीजिए, जो मिल्कन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, डिटेल नहीं पढ़ना आपको, मिल्कन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टेल अस अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब एन का वन नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 होल नंबर में होगा, पॉजिटिव इंटीजर। अब आइए ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन में जो है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप पे कौन सा चार्ज इसमें से नहीं हो सकता है मिल्कन एक्सपेरिमेंट में। तो भाई चार्ज का वैल्यूज दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है,
तो हम लोग चेक करते हैं, ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन है हमारा इस वाले क्वेश्चन का, जो पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन है हमारा वहाँ पे फर्स्ट का, फर्स्ट ऑप्शन है चार्ज का वैल्यू 4 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये चार्ज आयल ड्रॉप पे हो सकता है कि नहीं, तो n बराबर लिखेंगे हम q बाई q का वैल्यू 4 × 10⁻¹⁹ और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹। इससे ये और ये क्या होगा, कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारा, एक जीरो हटाओगे ये 40/16 हो जाएगा, चार से काटो, चार दही 40, चार चौका 100, 2.5। तो क्या चार्ज इलेक्ट्रॉन का संख्या 2.5 हो सकता है? यहाँ पे लिखा कौन सा नहीं हो सकता है, तो भाई पहला नहीं होगा, पहला नहीं पॉसिबल है। दूसरा चार्ज कितना बोला गया है, 6 × 10⁻¹⁹, तो 6 × 10⁻¹⁹ होगा कि नहीं होगा, अगर हम इसकी बात करें, बोलिए उसकी बात करें तो क्या होगा, वो होगा कि नहीं होगा, लेट अस चेक। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट हम n निकालते हैं, n बराबर q बाई e का मॉड, चार्ज कितना लिया है 6 × 10⁻¹⁹, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा 6/16, 1.6, ये काटोगे अगर 4 से, 15 × 60, 4 × 16, 3.75, ये भी पॉसिबल नहीं है। पूछा ही है कि पॉसिबल कौन कौन सा नहीं है, तो पहला पॉसिबल नहीं है, दूसरा पॉसिबल नहीं है, तीसरा देखें, तीसरा ऑप्शन में n बराबर q बाई e का मॉड लो, q का वैल्यू कितना है 10 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड 1.6 × 10⁻¹⁹, ये और ये कट जाएगा, इसको काटोगे ये होगा 100/16, 4 से काटोगे 4 × 16, 25 × 100, 25/4, 6.25, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम, इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी चार्ज पे जो है, जो कोई भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो सारा फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए कोई भी पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन नेचर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू, किसी भी बॉडी प्रकृति में, किसी भी बॉडी पे जो, किसी बॉडी पे जो या चार्ज सिस्टम पे जो चार्ज होगा वो कितना के बराबर होगा, हाफ ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, जीरो होगा, स्क्वायर ऑफ द लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट चार्ज, एंड दैट इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा, इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आइए तीसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन में है, कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है और एक पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन, ये बताओ मेरे पास ये एक स्फीयर है और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव, अगर कोई इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज अगर आपने रख दिया तो इसमें क्या होगा, इसके निगेटिव चार्ज को ये खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा। अब बताओ ये न्यूट्रल है या चार्ज हो गया, ध्यान से देखो, जितना निगेटिव है उतना ही अभी भी ये न्यूट्रल है, अर्थ करेंगे तब ना, अर्थ करके हटाते थे, तो अगर किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडीज को स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर के पास रख दीजिए, तो क्वेश्चन में है द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर विल बी जीरो। ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, निगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस, निगेटिव होगा नहीं होगा, दूसरा है निगेटिव एंड अपीयर्स ओनली एट द पॉइंट ऑन द स्फीयर क्लोजेस्ट टू द पॉइंट चार्ज, सिर्फ यहाँ पे निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा ही नहीं, ये भी नहीं है।
तीसरा ऑप्शन निगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ओवर इट्स इंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर, पूरा का पूरा निगेटिव ही होगा, नहीं। फोर्थ ऑप्शन है जीरो, कौन सा ऑप्शन होगा? जीरो, फोर्थ ऑप्शन। और अगर हम इसी को अर्थ कर दिए होते तो, अर्थ कर दिए होते तो निगेटिव लेता और ज़्यादा निगेटिव हो जाता, और फिर हटा देते तो ओवरऑल क्या हो जाता ये निगेटिव, लेकिन अर्थ तो किए नहीं है, इसलिए विच ऑप्शन इज नो अर्थिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा? फोर, ये जीरो का जीरो है। क्लियर है? बहुत ईजी है, शुरुआत में हम बता दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में फिर मजा आएगा, है ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पे, जो कि बेस्ड है कूलम्स लॉ एंड इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे। इसमें क्या कहा जा रहा, देखिए, फोर्स बिटवीन द, यही क्वेश्चन सब आएगा आपके किस में, वीकली टेस्ट में आने वाला है ना, फोर्स बिटवीन द टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज विद सेम चार्ज इज एफ, इफ 50% ऑफ चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू द अदर स्फीयर, न्यू फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन नंबर चार, एक भी चार्ज Q है, दूसरा भी आइडेंटिकल चार्ज है Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, दोनों के बीच अभी फोर्स क्या लग रहा है? F। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F बराबर बोलो K Q Q बाई R स्क्वायर, डेट इज K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? F। अब कह रहा है कि इसका 50% इसको दे दिया, तो भाई इसका 50% अगर उसको दे दोगे तो ये घट करके कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्यू बाई टू, 50% कितना होगा? क्यू बाई टू, आधा। और किसको दिया? इसको दिया, इस बेचारे के पास कितना था पहले से? क्यू, और इसका 50 आधा मिल गया, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3Q/2। और अब डिस्टेंस उतना ही है, अब नया फोर्स कितना होगा? वो एफ डैश हो गया, नया फोर्स क्या हो गया? एफ डैश। तो फॉर्मूला बोलो एफ डैश का, के एक हो गया क्यू बाई टू, दूसरा 3Q/2 और होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, थोड़ा गुना करो, ऊपर में तीन हो गया और नीचे में दो दूनी चार, और के हो गया क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू और क्यू और नीचे आर स्क्वायर, ये पुराना वाला एफ है, देखो तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है? एफ। तो कितना हो जाएगा बोलो? आंसर हो जाएगा 3/4। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इक्वल चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अर्थ और मून, अर्थ और मून दोनों के पास मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा। कहा जा रहा है कि इन दोनों अर्थ और मून पे कितना बराबर चार्ज दे दिया जाए कि जो अट्रैक्शन कर रहा था उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब अट्रैक्शन होना बंद हो जाए। भाई जैसे ही हम दोनों पे चार्ज देंगे तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा था? अट्रैक्ट करेगा। चार्ज डालने पे कूलम्बियन फोर्स क्या करेगा? रिपेल करेगा। और दोनों फोर्स बराबर हो गया अट्रैक्शन और रिपल्सन का, तो वो क्या हो जाएगा बोलिए? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उसका एक फिगर बना लेते हैं हम लोग, ये हम लोग लगता है क्वेश्चन 11 कैसे पहुंच गया डायरेक्ट। ओके अब चलो 11 बोल ही दिया तो हम 11 कर ही देते, तो बोले नहीं तुम लोग के सर उधर चले गए डायरेक्ट। चलो एक अर्थ मान लो, दूसरा मून मान लो, दोनों का मास तो अलग अलग होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। एफ जी रख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बोल रहा है कि व्हाट इक्वल चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, इस पे मान लीजिए क्यू रख दिए, इस पे भी क्यू रख दिए, अब ये रिपेल करेगा और अब कौन का फोर्स लगेगा? कूलम्बियन फोर्स। अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है, अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करना है, इसका मतलब कूलम्बियन फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। बोलो यस और नो। तो बोलो दोनों का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ग
दोनों का वैल्यू रखेंगे तो कूलम्बियन फोर्स हो जाएगा के क्यू और क्यू, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो दोनों के बीच में जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून बाई आर स्क्वायर। मास को बराबर नहीं किए क्योंकि दोनों का मास अलग अलग, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा बोलो, जी एम वन एम टू बाई के, और स्क्वायर हटाएगा तो ये रूट में चला जाएगा। बोलो सबका वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू पता है 6.67 × 10⁻¹¹, जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻¹¹, एसआई यूनिट में ले लेना। के का वैल्यू पता है 9 × 10⁹, एसआई यूनिट में। और क्या बचा, एम वन एम टू दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ या 10⁻², मास ऑफ मून 10⁻²। बैठा के निकाल लेंगे कौन सा ऑप्शन आया था इसमें, बनाए थे आगे सॉल्व कौन करेगा, सॉल्व करना भी एक कला है ना, कर लोगे ना। कौन है राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स जो भी क्लास कर रहे हैं। कहाँ थे बाबू, कुछ पढ़े लिखे हैं किए हो, नहीं किए तो कर लेना, 8-10 क्लास हुआ है ठीक है। नोट्स कहाँ हैं, कब तक दिखा दोगे, परसों दिखा दोगे ठीक। वीकली टेस्ट वन में इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्स लो, इक्विलिब्रियम वहाँ तक आएगा। फर्स्ट वीकली टेस्ट ऑन कल सैटरडे है, नहीं नेक्स्ट वीकली, नेक्स्ट सैटरडे, कमिंग सैटरडे। फर्स्ट ऑप्शन, वेट चेक कर लेता हूँ। राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स जो भी ऑनलाइन में सुन रहे हो मुझे, कौन लाइव क्लास में है, राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। आया कैलकुलेट करके,
मैं वैल्यू पुट करता हूँ बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन जी 6.67 इंटू 10^-11 10^25 10^23 9 × 10^9. अब ये बताओ कि ये 9 ऊपर जाएगा -9 और -11 20 तो 20 हटा दोगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास 3 और 25 28 रूट के बाहर कितना होगा 10^40 है ना। अब ये बताओ कि इसको अगर कट करोगे 3 से तो 2.2 आएगा और ये 3 × 9 आएगा 3 × 9 आएगा। अब ये जो 2.2/3 है लगभग कितना आएगा 27.7 काटोगे तो कितना आएगा 0.7। या मोटा मोटी याद होगा अगर तो 2 का रूट होता था 1.414 और 3 का होता था 1.732। ये वैल्यू कहीं ना कहीं 1 से कम होगा, 1 से कम मान लेते हैं 0.8, 1 से 1 क्या मान लेते हैं 0.8। और 0.8 अगर है उसको 8 बनाना हो तो 1 हटाना पड़ेगा यहाँ तो कितना होगा 10^13। नियरेस्ट आंसर देखिए 10^13 वाला एक ही ऑप्शन है, ये 3 है, ये 26 है, ये 6 है, ये 13 है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। चार हमें ये वाला भी था ना कूलम स्लोप पे बेस्ड। 5 नंबर क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया था, है ना। 6 नंबर भी बताया था क्या क्लास में? हाँ हाँ, अच्छा नहीं बताया था तो देख लो। 6 नंबर क्या था? 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेंस एट रेस्ट। मतलब नेट फोर्स क्या लगे? 0। तीसरा चार्ज कहाँ रखना है? नंबर 6। एक आपका 9E वाला है और दूसरा चार्ज 16E वाला है और दोनों के बाद डिस्टेंस कितना है 70 सेंटीमीटर। तीसरा चार्ज यहीं कहीं पे रखा और इस पे नेट फोर्स क्या कर देना है? 0। और मान लीजिए ये इससे कितने दूरी पे है x, तो ये इससे कितने दूरी पे होगी 70 − x, है ना। तो ये बताओ इस पे नेट फोर्स अगर 0 करना है, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा? अच्छा ये मान लो तुम्हारा निगेटिव चार्ज है ना 9E, या फोर्स पॉजिटिव लगाया, यहाँ माइनस तो दिया हुआ नहीं है, इधर लगाया, ये वाला किधर लगाएगा? इधर। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये जो फोर्स लगाया F1, ये जो फोर्स लगाया F2, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा तो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा। तो ये दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो लगेगा K 9E × Q/x² और ये जो फोर्स लगा रहा है के एक आपका 16E है और दूसरा Q/70 − x² बोलो क्या क्या कट जाएगा? के कट जाएगा, ई कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचेगा 9 को लिख सकते हो 3² और 16 को लिख सकते हो 4² बोलिए यस और नो। अब बोलिए ऊपर नीचे स्क्वायर है, ऊपर नीचे क्या है? स्क्वायर है। हेलो, वालेकुम सलाम, बताइए। हाँ लिंक भेजे हैं लाइव क्लास में, अभी ग्रुप में भेज दिए हैं, ग्रुप में भेज दिए हैं, ग्रुप में क्लास 11th में, ठीक है। हाँ हम आपको भेज देते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, क्लास में अभी।
तो बोलो ये कितना हो जाएगा, 3 बाई एक्स का होल स्क्वायर एंड 4 बाई 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर वाला टर्म कटेगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 गुने 70 माइनस एक्स बराबर 4 गुने एक्स, 210 माइनस 3x बराबर 4x, ये 3x उधर जाएगा, 210 बराबर 7x, काट दो कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 30 सेंटीमीटर। किससे 30 सेंटीमीटर पे, 9 से, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ना, अच्छा सेकंड, इससे 30 आया तो इससे कितना आएगा, 40, तो 40 क्या दो, 40 प्लस इतना, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, आंसर नंबर 4। कोई जरूरी नहीं था, लिंक शेयर कर दीजिए पुराना वाला में। और कौन, इरशादुल्ला, इरशादुल्ला लटनी है, एक कॉपी ऐसा रखिए ना जिसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है, एक्सरसाइज वाइज लिख के, एक्सरसाइज 1 में कितना क्वेश्चन है, 2 में कितना है, तो सबका सॉल्यूशन वाला कॉपी होना चाहिए, कभी भी दिक्कत हुआ उसको रिवाइज कर लिए, ठीक है, जो बन गया उसको टिक मार लीजिए, जो डिफ़िकल्टी आया उसको राउंड कर लेंगे, रिवीजन में हम उसी क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 ना, 7 तो बन जाएगा, वही क्वेश्चन है, सिस्टम रिमेंस इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 कर देना है। Q8, क्वेश्चन नंबर 8, टू बॉल्स carrying charges 7 microcoulomb and minus 5 microcoulomb attract each other with the force F. If a charge minus 2 microcoulomb is added to the both, the force between them will be. पहले तो figure बना लें, एक में कितना है, plus 7 microcoulomb है, दूसरे में कितना है, minus 5 microcoulomb है, और दोनों एक दूसरे को attract कर रहा है, कितने force से, F force से, माइनस 2 माइक्रोकुलम ऐड कर दिया जाए दोनों को, तो बताओ इसको अगर माइनस 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 5 माइक्रोकुलम हो जाएगा,
और इसको माइनस टू ऐड करोगे तो माइनस ऐड करोगे तो माइनस सेवन माइक्रो कूलम। तो देखो कहीं ना कहीं पलट करके क्या हो गया, ये सात था तो ये माइनस पाँच था, मतलब माइनस छोड़ दो, मैग्नीट्यूड पाँच ही था, एक सात दूसरा पाँच अट्रैक्शन था। अब यहाँ पे क्या है कि ये पाँच और ये सात, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है। अब ये निगेटिव था, अब ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, इसका मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड इसका हो गया, ये वाला मैग्नीट्यूड इसका, तो फोर्स अभी भी ये अट्रैक्शन होगा और फोर्स का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, इसलिए फोर्स भी क्या लगेगा सेम लगेगा। अच्छा बना के देखोगे तो क्या लिखोगे, एफ बराबर के सात गुने माइनस पाँच बाई आर स्क्वायर, मान लो माइनस भी ले ली, और इस वाले में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पैंतीस क्यूब माइनस पैंतीस के बाई आर स्क्वायर। अब इसमें कितना हो जाएगा बोलो, एफ डैश बराबर के एक हो गया पाँच, दूसरा हो गया माइनस सात बाई आर स्क्वायर, ये भी तो तुम्हारा वही हो गया माइनस पैंतीस बाई माइनस पैंतीस इंटू के बाई आर स्क्वायर, सेम आ गया ना, इसलिए दोनों में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों में फोर्स क्या होगा सेम होगा। नौ नंबर क्वेश्चन, टू इक्वल लाइक चार्जेस व्हेन प्लेस 5 सेंटीमीटर अपार्ट एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स 0.144 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन माइक्रो कूलम विल बी, इसमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, दो चार्ज है, दो इक्वल चार्ज है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे 5 बाई 100 मीटर, मतलब कितना 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, एक दूसरे को क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 0.144 न्यूटन। आपसे पूछा है चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स का फॉर्मूला के क्यू और क्यू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ देखो एफ इंटू आर स्क्वायर बाई के बराबर क्यू स्क्वायर, आर इधर आ गया के नीचे आ गया, देन क्यू बराबर क्या हो जाएगा बोलो एफ आर स्क्वायर बाई के अंडर रूट, एक आर तो बाहर आ जाएगा, आर इंटू रूट अंडर एफ बाई के वैल्यू बैठा हो, आर हो गया आपका 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, रूट अंडर एफ कितना हो गया 0.144 और के का वैल्यू बोलो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये पॉइंट हटाओगे 1 दोगे, तीन डिजिट है 3 जीरो दे दोगे, तो हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 144 का रूट 12, 9 का रूट 3 और ये 10 के पावर 9 है और यहाँ 3 है 12, नीचे आएगा 10 के पावर 6, अब इसको काट दो 3 चौका 12 और 4 पंचे 20 गुने 10 टू द पावर माइनस 2 और ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, तो ये तो माइक्रो में बदल जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.20 माइक्रो कूलम हो जाएगा, 20 भागा 100 0.20 और 10 पावर माइनस 6 को माइक्रो कूलम में बदल देंगे, कौन सा ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है 0.2 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ही है ना, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 हो चुके हैं, ये सेम क्वेश्चन है बना लीजिएगा, 11 हो गया है 12, क्वेश्चन नंबर 12, अ पॉइंट चार्ज Q1 एक्सर्ट अ फोर्स F अपॉन अनदर पॉइंट चार्ज Q2, एक पॉइंट चार्ज क्या है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है Q2,
a point charge q1 exert a force F upon another charge q2. ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स कितना है F. F q1 ने q2 पे फोर्स लगाया वो कितना आया F. According to question, if a third charge q3 be placed quite close to charge q2, एक तीसरा चार्ज यहां रख दिए q3 इसके नजदीक, a third charge q3 be placed quite close to charge q2, then the force that charge q1 exert on q2 will be, ये जो फोर्स लगा रहा था वन वाला टू पे, इस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? उतना ही रहेगा, उससे बढ़ जाएगा, उससे घट जाएगा कि जीरो हो जाएगा? क्यों? क्यों? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, समझ रहे हो ना, कि तीसरा चार्ज आने से पहले के दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसके? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन एफ रिमेंस कॉन्स्टेंट, फोर्स एफ ही लगेगा, नहीं बढ़ेगा ना ही घटेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए चार्ज कैपिटल क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स क्यू वन एंड क्यू टू एंड दीज चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर, देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन देम। आंसर आपका फोर्थ नंबर होगा, क्यू बाई टू के बाई टू, बताया था हमने क्लास के अंदर, इक्वल एंड नहीं अपोजिट, कहाँ है, सिर्फ इक्वल चार्ज होना चाहिए, आधा होना चाहिए, है ना, आधा आधा हो जाए तो क्या होगा, वो कैपिटल क्यू को तोड़ दिया क्यू वन में और दूसरा क्यू टू में, तो दोनों के बीच आधा आधा अगर चार्ज हो जाए तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा, आर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। ये हमने क्लास में सॉल्व किया था, तोड़ेंगे कैसे, बराबर बराबर तोड़ा ना, तो दोनों का नेचर तो सेम ही ना होगा, रिपल्सर भी फोर्स होगा ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एफ, चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज एफ when these are 1 meter apart, force or repulsion between two point charge, let it be q1 and dusra q2, dono ke beech ki duri kitni hai, 1 meter bole to 100 cm, aur ek dusre ko kya kar raha hai, repel kar raha hai, kitne force ke magnitude se, f magnitude se ya f se kar raha hai, now the point charges are replaced by a conducting sphere of radii 5 cm having a same charge as that of point charge, the distance between their center is 1 meter, then the force of repulsion will be, good question, ध्यान से देखिए, हमने इसको क्रॉप किया, क्लोन बनाया यहां, और अब मेरा कहना था कि हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, एक स्फेयर से रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, स्फेयर से। अब बताओ दोनों पे चार्ज का नेचर क्या है, सेम है, रिपल्सन है, तो जब दोनों को रखेंगे तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज यहां रहना चाहेगा, इसका यहां रहना चाहेगा, या यहां रहना चाहेगा, यहां रहना चाहेगा, दूर रहना चाहेगा ना, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कि ओवरऑल ये चार्ज है, तो इसका अगर पॉजिटिव लोगे तो ये इस कोना में रहेगा, इस कोना में रहेगा, क्यों, या दोनों निगेटिव लोगे तब भी कोना ही कोना में रहेगा, कि दे विल रिपेल ईच अदर, तो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस तो वही, इस वाले में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर,
सौ का सेंटीमीटर का इसका 1 मीटर था ना, 1 मीटर का इसका है ना। अब ये बताओ कि चूंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो अब ये वाला चार्ज इधर भाग गया, इस जो पॉइंट चार्ज यहाँ था अब यहाँ भाग गया, ये वाला पॉइंट चार्ज इधर भाग गया, सेंटर से सेंटर का दूरी 1 ही मीटर है, सेंटर से सेंटर की दूरी भी क्या है 1 मीटर, लेकिन इस चार्ज से इस चार्ज के बीच का दूरी 1 मीटर से ज़्यादा हो गया। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, के क्यू वन क्यू टू बाई, अब ये बढ़ गया मान लो 101 सेंटीमीटर हो गया, तो बताओ ये वाला बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, तो फोर्स विल डिक्रीज, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट विल डिक्रीज, पहला वाले में था इंक्रीज, दूसरे वाले में था डिक्रीज, तीसरे वाले में रिमेन सेम, चौथे वाले में, ये क्वेश्चन कहाँ था पता है, सॉल्व एग्जाम्पल में भी है ये क्वेश्चन, देखो पलट के शुरुआत में ही, शुरुआत में ही पहला दूसरा तीसरा पेज पे देखो, वही 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 वही, कौन सा पेज नंबर है, हाँ कौन सा पेज नंबर है, 9 पेज नंबर में ये क्वेश्चन है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, गुड क्वेश्चन, बट बेटा है क्या, दोनों लाइक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है इसमें, लेकिन ज़्यादा कौन है, तो पॉजिटिव पे ध्यान देंगे ना, है ना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, कौन कौन है लाइव क्लास में, राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स, अब जाकर के क्वेश्चन नंबर 15, टू चार्जेस 4q एंड q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस l अपार्ट, अ थर्ड चार्ज पार्टिकल कैपिटल q इज प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ देम, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द q इज 0, देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल q इज, गुड क्वेश्चन, बोलिए एक कितना है 4q है, दूसरा कितना है भाई q है, कितने डिस्टेंस पे है l, इसके दोनों के बीचों बीच एक चार्ज क्या है कैपिटल क्यू, ए थर्ड चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू इज प्लेस इन द मिडिल ऑफ देम, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल बाई टू, कहा जाता है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज 0, किस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 बोल रहा है, स्मॉल क्यू किधर है, इस पे नेट फोर्स क्या करना है, इस पे नेट फोर्स 0 करना है, तो बोला है कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बराबर कितने के बराबर हो, तो ये बताओ ये वाला इस पे नेट फोर्स 0 कब होगा, सब लोग ध्यान से देखना, नेट फोर्स 0 यह होगा ये वाला और ये वाला इसको रिपेल करेगा, करेगा ना इधर की तरफ, और ये वाला इसको अगर उधर ही रिपेल करता, सोचिए बड़ी बात, अगर ये वाला इसको उधर ही रिपेल करता तो कभी नेट फोर्स 0 होता, इसका मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये वाला क्या होगा नेगेटिव, समझ में, इधर देख अफीफा है साबरीन है, ओके चलो देखो यहाँ पे, तो एक काम करो कि ये वाला जो इसको रिपेल किया इसका नाम रखो F1 वेक्टर के फॉर्म में, और ये वाला जो इसको किया इसका भी नाम रखो F2 और उसी डायरेक्शन में मान लो क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में ले रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा मेरा नेट फोर्स ऑन क्यू एफ नेट बराबर तुम लिखोगे F1 प्लस F2 और दोनों का डायरेक्शन तुम सेम ही ले रहे हो, तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही ले रहे हैं, दोनों वेक्टर सेम में हो तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड F1 प्लस F2 के ही बराबर आता था, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 इज 1, तो ए रूट के अंदर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट के बाहर निकल गया ए प्लस बी, और ये दोनों क्या करना है 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग लिखा हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो रहा है 0, तो ये वाला जो इस पर फोर्स लगा रहा है उसका फॉर्मूला बोलो, के इन दोनों के बीच के क्यू एक 4q है और दूसरा q है डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस l स्क्वायर,
और इन दोनों के बीच का बोलो, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल बाई टू का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। एक काम करो, इसको ले चलो उधर, क्या हो जाएगा बोलो, इसको लेके चले उधर तो चलो, तो इधर रहने दो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ये वाला, और ये एल स्क्वायर और नीचे टू टू जा, फोर ऊपर लेके चले जाए, और ये वाला जो प्लस वाला उसको लेके उधर जाओ, माइनस फोर के क्यू और क्यू क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब बोलो क्या कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, के से के कटेगा, फोर से फोर कटेगा, स्मॉल क्यू से एक कटेगा, तो यहाँ कैपिटल क्यू बराबर क्या आ जाएगा बोलो, माइनस स्मॉल क्यू। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, नोट इट डाउन। अच्छा, तीन लोग हैं, जिनका क्लास छूट गया हो वो बाद में बैकअप कर लेना, सारे क्वेश्चंस का सलूशन इसके अंदर दिया हुआ है, हम गलती से पुराने वाले ट्वेल्थ में लिंक भेज दिए थे, और लिंक सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन खुद आ जाएगा, इसलिए बोला जाता है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि क्लास शुरू होते ही घंटी बज जाएगी आपकी। मस्ट सब्सक्राइब, इधर देखो ना, ऑनलाइन वाले इधर देख रहे हैं, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन को देख रहे हैं। ऐसा टाइम था जिसमें पांच लोग थे, इसके बाद चार बज के समथिंग। हाजिरी बना के चला गया है, तो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया, 16वां क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट इज ऑन सैटरडे, कमिंग सैटरडे, फर्स्ट वीकली प्रोग्रेस टेस्ट। फिजिक्स का सिलेबस बता दिया हमने, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज, कूलम्स लॉ, इक्विलिब्रियम बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले जितना भी पढ़ाया है वो करना है, और उसमें कंप्लीट हुआ है सिलेबस बायो में, बायो में पहले मेल पढ़ाया है ना, फीमेल चल रहा है, तो मान के चलिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेगा। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, इनऑर्गेनिक में क्या चल रहा है, पी ब्लॉक। कितने क्लासेस हुए, ठीक है हो जाएगा। डन, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग चार्ज Q1, प्लस Q1 एंड माइनस Q1 चार्ज आर केप्ट एट अ सेपरेशन, F force acts between them. If another similar sphere having charge plus Q, charge is kept in the middle of them, it experiences a force in magnitude and direction. Very good question. Zero ho gaya. Chalo dekhte hain. Pehle question number 16 ka ek. Hum log
डायग्राम ज़रूर बना लें। ये कितना है? प्लस क्यू, और ये वाला कितना है? माइनस क्यू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बोलो? आर। और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा अभी, किस फोर्स से? एफ फोर्स से। इस एफ का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? के क्यू, के क्यू और एक माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस विल बी एफ बराबर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इफ अनदर सिमिलर चार्ज हैविंग अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग चार्ज प्लस क्यू एस्केप, कहाँ पे? इन द मिडिल ऑफ द, इनके मिडिल में एक चार्ज रख देते हैं। चलिए इनके मिडिल में हमने एक चार्ज रख दिया, कितना? प्लस क्यू। अब ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? एफ डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। तुम खुद सोचो, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। निगेटिव वाला इसको कहेगा, खींचेगा इधर, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी खींचेगा इधर। तो इस पे लगने वाला जो नेट चार्ज, नेट फोर्स होगा, वो किसके तरफ होगा? कौन सा ऑप्शन है माइनस क्यू में? थर्ड वाला। इसमें जीरो चार्ज हैविंग नो डायरेक्शन, गलत ना? यहाँ हो जाएगा एट एफ प्लस, ये वाला माइनस वाला एक ही ऑप्शन है। चलिए बना के देख लेते हैं। एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा इस पे? अब बोलो, ये वाला अगर एफ वन लगाया और ये वाला एफ टू लगाया, तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में, इस बार दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे सिंपली। तो कितना हो जाएगा बोलो इन दोनों के बीच? के क्यू इंटू क्यू बाई आर बाई टू का स्क्वायर, आधा आधा होगा ना। और ये वाला बोलो, ये भी इसको अट्रैक्ट ही कर रहा है, के एक क्यू। अब एक बात आती है कि सर यहाँ प्लस लें कि माइनस लें? यहाँ पे जो नेचर देखोगे ना, यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा यही रहेगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। निगेटिव यहाँ पे बताया अट्रैक्शन वाला, और यहाँ पे भी देखोगे जो निगेटिव का जो अट्रैक्शन है, इसका भी डायरेक्शन तो उधर ही है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो के, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, तो के क्यू और क्यू बाई आर बाई टू का स्क्वायर। पता नहीं क्यों लिया मैग्नीट्यूड, निगेटिव बता रहा है कि अट्रैक्शन, तो निगेटिव ये अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया दोनों सेम डायरेक्शन में, सिर्फ मैग्नीट्यूड को सिर्फ ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये हो जाएगा तुम्हारा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, दो दूनी चार चला गया ऊपर, यहाँ भी चार चला गया ऊपर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट मीन एट के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये पुराना वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो कितना लिखेंगे बोलो? एट एफ। टू ऑर्ड्स किसकी तरफ? टूवर्ड्स माइनस क्यू। विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ईद खत्म हो गया है,
डन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बड़े आगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि चार चार्ज है, फोर चार्जेस, फोर चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए डायल ऑफ ए क्लॉक एज शोन इन द फिगर। इफ द क्लॉक हैज ओनली आवर हैंड, घंटा वाला कांटा है, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ पॉइंट चार्ज इन द डायरेक्शन विच शोन द टाइम इज। मतलब इस क्यू नॉट पे जो नेट चार्ज लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, इस क्यू नॉट पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितने टाइम के बराबर होगा, मतलब किधर की तरफ डायरेक्टेड होगा, वो घड़ी के टाइम के हिसाब से बताना। ध्यान से देखो, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इधर रिपेल करेगा। बोलो, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल अगर करता है इधर की तरफ, और इस फोर्स का वैल्यू हम एफ मान लें, बोलिए इसका एफ मान लें, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैपिटल क्यू, ये क्यू, क्यू नॉट बाय ये डिस्टेंस आर होगा, तो आर स्क्वायर, ध्यान से देखना। और ये जो निगेटिव चार्ज है ये इसको अपने ही तरफ खींचेगा, तो वो भी तो फोर्स उधर ही लगाएगा, बोलिए खींचेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला खींचेगा, तो ये दोनों फोर्स मिलके कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। क्यों भाई 2F हो गया, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब ये वाला इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होगा, बोलिए निगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी फोर्स कितना होगा, एफ होगा, और मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा इधर की तरफ, तो ये भी फोर्स उतना ही लगा रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इधर भी कितना हो गया आपका 2F। तो अगर ये 2F इधर 2F और इधर 2F लगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, बोलो, इन दोनों के बीचों बीच जाएगा, रिजल्टेंट आएगा इधर, इधर कौन सा टाइम होगा, ये 6 बज रहा है, ये 9 बज रहा है, ये 7 होगा, ये 8 होगा, 6 7 8 9, 7 और 8 के बीच में होगा, तो कितना होगा, 7:30। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। This is question number 17. Now the next is question number 18. To a small sphere, each having a charge plus q are suspended by insulating thread of length L from a hook. This arrangement is taken into a space where there is no gravitational effect. Then the angle between the two thread and the tension in the each string will be. Tension in the each will be. This is question number 18. ऐसा question हमने आपको बताया था, अगर ध्यान हो तो, thread से दो small sphere को ले लीजिए और दोनों पे charge same दे दिए, तो कुछ ऐसा scene बनता था, बोलिए, बहुत ज़्यादा discuss किया था हमने इस पर, और इस पर balance कैसे कैसे किया था बताओ, तो नीचे क्या लग रहा था, mg, और इधर क्या लग रहा था, Coulombian force, इधर क्या आ रहा था, tension, इधर भी टेंशन हो जाएगा, कोलंबियन फोर्स हो जाएगा, और एमजी नीचे।
अब ये बताओ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो कौन सा फोर्स हटा देंगे? ये हट गया और ये हट गया, तो भाई आपके पास कौन सा फोर्स बचा? ये वाला क्या करेगा? खींचेगा खींचेगा, खींचते खींचते कहाँ लेके चला जाएगा? खींचते खींचते लेके आ जाएगा इधर, इसको लेके आ जाएगा इधर। बोलिए कोलंबियन फोर्स इधर भी क्या आ जाएगा आपका? कोलंबियन फोर्स। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो 180 डिग्री वाला ऑप्शन तो एक दो तीन है। अब पूछा क्या कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, द एंगल बिटवीन देम एंड द टेंशन इन ईच, ये बताओ। अब जो ये कोलंबियन फोर्स इधर ले जा रहा है तो इसमें इधर ही ना टेंशन होगा, तो टेंशन तो इसको बैलेंस करेगा। कोलंबियन फोर्स इधर लग रहा है तो टेंशन किधर हो गया? इधर। तो यहाँ पर टेंशन निकालना है, तो टेंशन कोलंबियन फोर्स के ही बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि रुका हुआ है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम धागा तो टूटना है नहीं, धागा अगर नहीं टूटा तो टेंशन बैलेंस कर लेगा किसको? कोलंबियन फोर्स। कोलंबियन फोर्स का फॉर्मूला बताओ, के क्यू और क्यू क्यू स्क्वायर बाई लेंथ बताओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। इसका लेंथ कितना था? एल। ये लेंथ कितना था यहाँ से यहाँ? एल। ये लेंथ कितना था? एल। फैला दिए इधर भी एल और इधर भी एल, दोनों मिल के कितना हो जाएगा? 2L। तो 2L का स्क्वायर, और k के जगह पे क्या रखना है? 1/4πε0 q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। 4 को मल्टीप्लाई करो, 16πε0 q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, ये तो इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्या क्वेश्चन भारी लग रहा है? इट्स वेरी इजी, क्वेश्चन को समझना और फिर उसको सॉल्व करना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका फिगर बनाना। क्वेश्चन को समझिए, फिगर बनाइए एंड सॉल्व। आजकल तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, नहीं? शायद नहीं है, बॉयज में दो ही। और CBSE का रिजल्ट कब आ रहा है? तुम लोग का कब आया था? मई में। तुम लोग यहाँ क्लास करने कब से आए थे? ईद कब था? 22 अप्रैल। 24 अप्रैल। तुम कब आए थे? अच्छा, मैं रिजल्ट के पहले ही आ गए थे। गुड। फोकस आफ्टर रिजल्ट। ओके। बिहार बोर्ड था। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्यू 19।
आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, गलत बताना है. कूलम्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फोर्स. चार ऑप्शन दिया हुआ है, कूलम्स लॉ कहाँ पे लगने वाला है. पहला है बाइंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टू इट्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, निगेटिव. पॉजिटिव निगेटिव के बीच क्या फोर्स लग रहा है, कूलम्बियन फोर्स. तो बांध के तो रखा है. पहला स्टेटमेंट सही है, पूछा आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट. दूसरा कह रहा है बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध के रखता है कूलम्बियन फोर्स. पहली बात कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में तो फोर्स लगेगा नहीं, कूलम्स लॉ तो लगेगा नहीं. समझ रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया. कूलम्स लॉ कब लगेगा, जब तो पॉजिटिव चार्ज हो दोनों, या तो निगेटिव चार्ज हो, या तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो. न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बाइंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव है, एक न्यूट्रल को बांध के रखा है. भाई ये कूलम्बियन फोर्स नहीं मान सकता, और न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स. और वह न्यूक्लियर फोर्स हमने पढ़ाया था चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है. न्यूक्लियर फोर्स बाइंड द न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन एंड प्रोटॉन. चार्ज की वजह से नहीं, और कूलम्स लॉ चार्ज की वजह से लगेगा, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. कूलम्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स एप्लीकेबल होगा, कूलम्बियन फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा. तीसरा ऑप्शन है बाइंड द एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन दो ठो मिलके बना, वाटर में H2O एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन मिला, NaCl में Na प्लस NaCl माइनस, सब देखिएगा प्लस माइनस को जोड़ के बना है. वहाँ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के द्वारा फोर्स लग रहा है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा आपका कूलम्बियन फोर्स. न्यूक्लियस के अंदर कूलम्बियन फोर्स नहीं लगे. फोर्थ ऑप्शन है बाइंड द एटम एंड मॉलिक्यूल टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड. एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है, एटम्स और मॉलिक्यूल को बाइंड करके सॉलिड बना सकता है. न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुसेगा, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर एक ही फोर्स रहेगा, दैट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स. तो यहाँ सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, बाइंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, दिस इज बाय द न्यूक्लियर फोर्स नॉट बाय द कूलम्बियन फोर्स. एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज हियर. इन द फिगर फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी विल बी. भाई बताइए, इसे डायरेक्शन तो बता ही दिया आपको, डायरेक्शन तो आपको बता ही दिया इसने. इसमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नो क्रॉपी करना. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, इन द गिवन फिगर फोर्स ऑन दिस ए इज इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी, बी सी के परपेंडिकुलर है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा. आप खुद भी देख लो नॉर्मल होगा कि नहीं. ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा F, यस और नो बोलो. और ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा F, बोलो यस और नो. अब दोनों का, तीनों का साइड बराबर है, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी, तो ये भी तो 60 डिग्री होगा. तो 60 डिग्री पर अगर दोनों फोर्स है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीचों बीच जाएगा. और ये पीछे लाओगे नीचे, तो ये बी सी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा नॉर्मल, तो क्वेश्चन भी सेटिस्फाइड हो गया. और तो इस पे फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स, क्वेश्चन नंबर 20, नेट फोर्स कितना लगा ए पे, दो फोर्स लगा,
कितना कितना मैग्नीट्यूड का है? एफ का एफ स्क्वायर प्लस टू, एक एफ दूसरा एफ दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, एंड कॉस 60 डिग्री कितना होता है बोलो? ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 60, वन बाई टू काट दो, कितना हो गया अंदर में 3 एफ स्क्वायर, तो हो जाएगा एफ इंटू रूट 3 हो जाएगा बोलो। और एफ का वैल्यू बताओ, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स के, ये क्यू और ये क्यू, क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस ए स्क्वायर रूट अंडर 3। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमने आज एक क्लास में ख़त्म कर दिया, नहीं इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कोलंबियन फोर्स का स्टडी पैकेज के एक्सरसाइज 1। कौन है लाइव क्लास में? राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। सिर्फ एक बच्चे हैं, बहुत जल्दी था उनको निकल गए। किनकी क्लास है अभी? क्या इसको मैं शेयर कर दूं ग्रुप में, क्वेश्चंस कौन कौन सा किया हमने? ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ फिलहाल, तो पहले इसको